अस्सलाम वालेकुम, इसमें उसामा खान, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज जो है मैं जाने लगा हूँ एक दुकान पे, एक शॉप पे जाने लगा हूँ। बेसिकली वो जो शॉप है वो उनका जो ओनर है ना, वो मेरा और मेरे भाई का बहुत अच्छा दोस्त है, और हम मतलब कि काफ़ी आना जाना है हमारा एक दूसरे के घर, और काफ़ी मिलना जुलाना है। तो बहरहाल आज मैं उधर लेके जा रहा हूँ उनको, क्योंकि उनकी ना आउटलुक है एक उसकी शूज़ की, और मैं आज आपको वो सारी दिखाऊंगा, उनकी शूज़ वगैरह दिखाऊंगा जो वो सेल करते रहते हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी मज़े मज़े की उनके पास वरायटी वगैरह आई हुई है। तो ये कि आप देखिएगा, और अगर आपको भी पसंद है तो आप भी जाके परचेज़ कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उनसे आपकी बात वगैरह करवा के करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल ये है कि मैं तैयार वगैरह हो गया था, और भाई का मैंने फोन कर दिया कि मैंने कहा मैं भाई आने लगा हूँ, तो उन्होंने कहा चले ठीक है कोई नहीं, मोस्ट वेलकम, आप आ जाए। तो बहरहाल अब चलते हैं जाके, मैं आपको दिखाता हूँ भाई की फैब्रिक दिखाता हूँ और सारा दिखाता हूँ, क्योंकि वो खुद बेसिकली काफी शूज वगैरह हैं वो खुद तैयार करते हैं प्रॉपर, सही उन्होंने अपना रखा हुआ है, सिस्टम वगैरह बना कर रखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको वो चीज भी दिखाऊंगा जैसे वो बनाते हैं। तो ये है कि चलते हैं दुकान पे और आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। सो गाइस, ये ओपनिंग है, ये दुकान है, भाई की शॉप है, और ये सारी शॉप है, और बहरहाल ऊपर इनका कलर में शूज़ वगैरह का दुकान होता है बहुत है, और नीचे इनकी प्रॉपर आउटलुक है। बहरहाल मैं नीचे जाके आपको प्रॉपर दुकान इनकी दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद ऊपर भी जाके आपको दिखाऊंगा जिधर जूते वगैरह सारे बनते हैं। बहरहाल हम नीचे चलते हैं। सो फाइनली गाइस, मैं अंदर आ गया हूँ, और अब आपको यहाँ से शूज़ वगैरह, पहले तो ये रह के ना, अच्छा ये देखें, ये वर्सची का शूज़ है, और दिस वन सारे आप देखें, और इस साइड से शुरू हो जाते हैं ये शूज़ वगैरह जो कि हैं। ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये सारे चमड़े के शूज़ हैं, अच्छा बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, और नरम सोल है इनका, ये जो सोल होता है ना ये भी नरम है, और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी कलर्स में हैं। ये ना शीशे की वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि सही तरीके से आपको नज़र आते रहें। ये काफ़ी है जहाँ पे, बस शीशे की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं कितना कुछ निकाल के शीशा आपको दिखा सकता हूँ उतना ही मैं, क्योंकि इसको इधर से बंद करते हैं। और ये सारा क्या नाम है, शूज़ का ही सेक्शन है, और ये ऊपर सारे शूज़ हैं, ये देखिए ये सारे शूज़ हैं, और ये सारे यहाँ से शुरू हो गए हैं, सैंडल्स शुरू हो गए हैं, कलर चेंज है, और ये मैं नज़र आ रहा हूँ ये वाइट शर्ट में, और ये सारे सैंडल, अच्छा ये वाला सैंडल ना मैंने वो लोगों पे भी देखा था सेम टू सेम, ये अच्छा है, मतलब कि मैंने लोगो ब्रांड जो है ना, जो लोगो ब्रांड आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, उधर भी मैंने ये वाला शूज़ देखा, सैंडल देखा था, जो कि यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, और मतलब कि चीज़ वही होगी, जो इसकी क्वालिटी वगैरह वो सारी वही होगी, पर थोड़ी प्राइस कम हो जाएगी जो कि अच्छी बात है। और ये नीचे वाले जो देखें, ये भी शूज़ हैं, अच्छा बच्चों के भी शूज़ हैं, सैंडल हैं, शूज़ हैं, बच्चों के भी मिल जाएंगे, पर लेडीज़ नहीं है, सॉरी अगर लेडीज़ देख रहे हैं, मेरी अम्मा के लिए भी नहीं होती, या लेडीज़ नहीं है यहाँ पे, सिस्टर वगैरह मेरी अम्मा भी बड़े शौक से देखती होती है ना मेरे व्लॉग, तो मैं उनको भी कह रहा हूँ कि मम्मा आपके लिए बिल्कुल नहीं है वो, तो जैसे मैंने कुछ टाइम अपना भाई के और मेरे दोस्त की ये शॉप है, ज़्यादा की नाम है, अच्छा जो ये वाले हैं ना, ये वाले के नाम सही रहते हैं, और बड़े मज़े के रहते हैं, मैं ये निकाल के दिखाता हूँ, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ एक दिन जो मैंने लोगों पे देखा था डिज़ाइन, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, और एक ये एडिडास, ये अभी तो वैसे के नाम यार ये थोड़ा बंद करना मुश्किल होता है, मैं आपको ना वो वाला निकाल के दिखाता हूँ, ये वाला एक मिनट, ये वाला ये साथ ही आ गया, चलो ये वाला मैं कह रहा था, ये वाला मैंने देखा था लोगों पे भी पड़ा हुआ था इस तरह का शूज़, और सॉरी सैंडल, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा था, और जहाँ पे उसकी प्राइस थी तकरीबन 10,000 के पास, नहीं 7,000, सॉरी 7,000, हाँ 7,000 की मुझे याद आ गया, और इस साइड पे
भी सैंडल्स और चप्पलें आ गई हैं। ये देखिए, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक ये ओपन किस तरह होना है, आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ पे जाम हुआ हुआ है, पर देखें। और अच्छा, इसके बाद मैं आपको ऊपर भी लेके जाऊंगा जहाँ पे ये खुद भी थोड़े बहुत शूज़ वगैरह तैयार करते होते हैं, खुद भी घर के भी उस थोड़ी ये शूज़ और ये सैंडल्स वगैरह और सॉफ्टीज, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें बहुत जो की, और यहाँ से वैसे सारे डिज़ाइन वगैरह तो बड़े प्यारे प्यारे हैं, नए नए डिज़ाइन हैं, और वैसे भी अब करीब आ गए तो ऑब्वियसली और डिज़ाइन अच्छे अच्छे आ जाएंगे। और बाकी तो आप ये देख ही रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छी मज़े की चीज़ है। अच्छा, मुझे ये वाला भी शूज पसंद आया था, एक मिनट निकालते हैं इसको ओपन बाहर। ये वाला भी शूज़ मुझे अच्छा लगा था। अच्छा, इस तरह के क्योंकि लोग ज़रा पहनते हैं ना घर में नॉर्मल वे में ये पहने जाते हैं शूज़, इसलिए ये शूज़ अच्छा लगा था मुझे। बकरार मैं आपको और आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ, इसको बंद कर दूँ मैं। और अच्छा, कलर भी काफ़ी डिफरेंट कलर्स में है और वेरिएशन भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके बाद ये लास्ट सेक्शन ये वाला आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक ये लोग पता नहीं क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जान है। अच्छा, इसके अंदर भी काफ़ी कलर्स में है, मैं आपको दूसरे कलर्स भी दिखाता हूँ। एक कलर ये कलर है, उसके बाद ये ब्राउन में भी है और ये लाइट ब्राउन में भी है। इसके अलावा ये नीचे आर्म शूज़ जो है, आर्म सॉफ्टीज घर में पहनने के लिए, पानी के लिए यूज़ होने के लिए बहुत चीज़ें हैं। और ये देखेंगे, और उसके अलावा ना ये वाला जो है, ये वाला शूज़ अब प्यारा था मुझे लगा था। उसके अलावा ये वाला भी प्यारा है, इसके अंदर कलर्स वगैरह भी जो है ना वो भी बड़े प्यारे हैं। और एक जिसमें ये वाला भी जो है ना, ये भी सही अच्छा लगा था मुझे। और अब इसको बंद कर देते हैं सर, अब ज़रा थोड़ा से ना वो जाम हुआ हुआ ना, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम लगती है। बाकी आपने ये देखा इधर, और जिस वन ये भी, और ये सामने का। और इसके बाद हम ऊपर चलेंगे, ऊपर जाके वो भाई जो हैं वो खुद भी तैयार कर रहे होते हैं सैंडल वगैरह ना और शूज़ वगैरह, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जाके ये रखें, छोटे बच्चों के लिए भी हैं, बड़ा आम मेरी एज के जो है ना उनको बड़े साइज़ के, वो तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं सामने पड़े हुए हैं, मिल जाएंगे। उसके अलावा छोटी एज के भी कुछ कुछ हैं, ज़्यादा नहीं उनके पास सामान है। तो ये कि जैसे जैसे अब ईद करीब आ रही है तो ऑब्वियसली वो सामान वगैरह और ले आएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, तो वो चीज़ बात की बात है। बहरहाल अभी आप यही है, तो ये देखें। तो बहरहाल आप ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके भी मैं आपको प्रॉपर वे में सारा दिखाता हूँ। और क्योंकि ऊपर इनका पूरा कारखाना वगैरह तो सबसे ऊपर है, वहाँ पर इतना वगैरह काम नहीं चलते हैं। तो ये कि कोई एक आधा आदमी बैठा होगा जो इस वक्त काम वगैरह सांझा वगैरह बना रहा होगा, जो तैयार कर रहा होगा, तो वो आपको मैं जाके लाजमी दिखाऊँगा। तो वो भी आप देखिएगा कि कैसे ये तैयार करते हैं जूती वगैरह, क्योंकि बड़े अच्छे सही तरीके से करते हैं। क्योंकि मैंने भी अपना फैशन डिज़ाइन के अंदर, जब मुझे भी शूज़ वगैरह बनाने पड़ते थे, जब मुझे भी प्रोजेक्ट वगैरह मिलता था, तो मैं भाई के पास जाता था कि मुझे भी बना दें, तो वो बना कर मुझे देते होते थे, बड़ा सही मज़े का काम बना कर देते होते थे। तो बड़ा लब ऊपर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको जाकर। सो गाइस, इस वक्त मैं ऊपर आ गया हूँ। ऊपर ये है कि ये सारा चमड़ा वगैरह इनको निकाल के दिया हुआ है भाई को, और भाई क्या करते हैं कि ये देखें, ये इन्होंने सांचे रखे होते हैं प्रॉपर इस तरह से, और जिस सांचे पे रख कर वो सांचा वो बना लेते हैं, और बनाने के बाद जो है इसको कट किया जाता है, और फिर उसके बाद इसको सिया जाता है। पर वो प्रोसेस लैदा होता है, वो इनके पास मशीनें वगैरह जो घर पे पड़ी होती हैं, तो वो प्रॉपर वो घर पे सारा काम होता है। पर चमड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे वैसे ब्लैक चमड़ा इस वक्त पड़ा हुआ है, पर ये कि यहाँ पे तरह तरह का चमड़ा जो है आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कि कलरफुल चमड़ा मेरा मतलब है देखने को मिलेगा, क्योंकि तरह तरह के कलर्स के शूज़ वगैरह बनते हैं। पर इस वक्त यहाँ पे ब्लैक कलर का काम हो रहा है चमड़े का, तो ये चमड़ा वगैरह सारा पड़ा हुआ है। तो ये इस वक्त ना वैसे भी वो छांट भी रहे हैं कि जो काराम चीज़ नहीं है उसको निकाल के बाहर फेंक दी जाए, जो काराम चीज़ है उसको रखी जाए। तो ये साइड पर ये देखेंगे भाई सारे काम कर रहे हैं, तो वो यही कर रहे हैं। बरअल ये जब सांचा दिखाएंगे ना करेंगे कोई इनको प्रॉपर सही तरीके से मिलेगा, तो फिर मैं आपको वो दिखाऊँगा। क्योंकि अभी तो ये सिर्फ वो देख रहे हैं कि जो काराम चीज़ें जो काराम हो, जितना मतलब कि जितना उनको चाहिए सांचे के लिहाज से,
तो अभी वो देख रही है, देखे ये साइड पे करी जा रही है ना, तो ये साइड पे मतलब कि इन्होंने साइड पे रखी जा रही है क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है, ये मतलब कि ये यूज़ टू नहीं है, तो जो यूज़फुल चीज़ें होंगे, जो यूज़ वाले होंगे, वो आगे इन्होंने रखी हुई हैं ताकि वो सांचा बना बना कर ये रखी जाएँ। तो बहरहाल अब ये देखें, ये इन्होंने सांचा रखा, इनको शायद एक मिल गया है। जी बिल्कुल, ये देखें ये मिल गया है इनको, और ये इनका होता है सांचा, और ये जैसे इस तरह ये इन्होंने ना लगा लेनी है, लाइनें वगैरह लगा लेनी है और क्रॉस का निशान लगा देना कि ये वाला इनको हिस्सा चाहिए और ये यूज़फुल है, ये उन्होंने उधर रख दिया और बाकी उन्होंने वापस फेंक दिया क्योंकि वो यूज़फुल नहीं है, मतलब कि वो यूज़ नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से उन्होंने वो साइड पर रख दिया। बट जो यूजल चीज़ें हैं वो उन्होंने अपने पास रख के इसको बाद में जाएँगे कारीगर को देंगे, बल्कि कारीगर तो ये भाई खुद ही हैं, तो ये क्या करेंगे, तो ये खुद ही स्टिच करके वो कर लेंगे। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि ना इनको काफ़ी तरह के डिज़ाइन वगैरह बनाने आते हैं, तो मैं भाई से आके पूछ रहा था, मैंने कहा भाई आपके पास कोई कॉपी वगैरह है जहाँ से आप देख कर डिज़ाइन वगैरह बनाते हो, तो वो कहते हैं नहीं नहीं भाई, क्या नाम, सारा माइंड का काम है, माइंड में मेरे है कि ये वाला डिज़ाइन बनाना, ये वाला डिज़ाइन बनाना, तो वो अच्छा डिज़ाइन बन जाता है, तो बाकी फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो क्योंकि इनको साइज़ वगैरह तो पता ही होते हैं कि कितने साइज़ रखना, कितना नहीं साइज़ रखना, क्योंकि इनको आई थिंक यहाँ पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, तो ओबियसली इनको पता है। तो बहरहाल ये तो अपना काम ये करते रहेंगे, और अगर नेक्स्ट टाइम मेरा चक्कर लगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा। बहरहाल अब मुझे घर जाना है क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे काम वगैरह यहाँ पे बैठे हुए को, तो बहरहाल अब मैं घर चलता हूँ, घर जाके आपको मैं मिलूँगा। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो जो है आज की पसंद आई होगी, तो बहरहाल अब घर चलते हैं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मुझे भी दुआ में याद रखें, और अपने घर वालों का भी आप ख्याल रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को भी लोगों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करवा दें ताकि वो जल्दी से यह है कि बड़े अच्छा मतलब कि ग्रो करे वो अच्छे से चैनल। तो इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।